कैसे हो आप? मैं तुम्हारे हेलमेट से पहचान रहा हूं। ऐसी जब सर मेरा बेटा आपके सारे ब्लॉग्स देखता है। अच्छा आपके बाल कैसे हो गई? गाइस अभी धुलवा के लेके आए हैं एंड हेलमेट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और काफ़ी गंदी हो गई थी कल की राइड से, तो चलिए एक बार आवाज़ सुना देते हैं आपको। फटकी थी अंदर, क्योंकि ये इसको दुश्मन समझ के टीम अपना कर ले। साढ़े 900
950। उसे लग रहा है उसमें चिल्ला रहा है बंदा देख के ना ब्लैंक हो गया ब्लैंक। बहुत खतरनाक लग रहा है तुम्हारा।
सब चलान का है इस चीज का। क्यों? तो मैं आरटीओ जा रही हूँ। क्यों इस चीज का क्यों चलान है? अरे अंदर वहाँ पर जा रहे हो? मैं तो ऐसी जब सर मेरा बेटा आपके सारे ब्लॉग्स देखता है। अच्छा आपके साथ एक सेल्फी। बिल्कुल 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 थैंक यू सर थैंक यू सो मच। चलो मार्केट रेशन नोट करते हैं। ठीक है हाँ पकड़ ली गई। मारो ना मारो इनको तो सीधा मारो। भाई हाय कैसे हो? अच्छा मैं ना दूर से पहचाना नहीं क्योंकि डबल वाइजर है ना दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा 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 कहाँ जा रहे हो? अच्छा 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 ड्रैगन मैं ना दूर से पहचाना नहीं क्योंकि डबल वाइजर है ना दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा अच्छा मैंने तभी हॉर्न मारा मैंने कहा सुनता है कि नहीं मैंने कहा पता नहीं। अच्छा चलो आराम से नाइस व्लॉग हो जाएंगे कि नहीं तब तक मैं बस बाय बाय। लग रही भाई कसम से जब ये आरपीएम फ्लक्चुएट करता रहता है ना ऐसे ऑटोमेटिक और झटका नहीं देता ये चीज़ ना ये ना ईसीयू अपने आप ही ऊपर नीचे करता रहता है तो मुझे बहुत सही लग चीज़ लगती है ये 10R में बहुत ज़्यादा होता है पुराने वाली नई वाली में अब नहीं होता ये। नंदनी के बाल कैसे हो गए पहचान में नहीं आए भाई वो हाइबरनेशन से बाबे और बाल कैसे हो गए? आपके बाल कैसे हो गए ये क्या हो गए बाल पता नहीं पहचान में नहीं आए भाई लाल बाल लाल से हो गए थोड़े आज ही करे कुछ ना वो धूप से मैं शाइन मार रहे इसलिए। अबे क्या ये मेहंदी लगा के रखी इतना बढ़िया तो हाथ में थोड़ी यार इंडिकेटर टूट गया यार कैसे गाइस सब्सक्राइबर देखो वीडियो बना रहे हैं।
स्टोरी तो बनाई एक यार, सर्विस पे दी थी उसने। थैंक यू कंटेंट देने के लिए। नहीं थप्पड़ मारो। थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और नंदिनी की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर सकते हो। और कुछ सही अब तो हिसाब बराबर नहीं, तुम्हारी नहीं देंगे ना तुम लड़के। ये कल की वीडियो में एंडिंग रहेगी, ठीक है, कल या परसों डालूंगा ब्लॉग। तो आवाज चलो, नाम बताओ फिर अपना। तुम्हारा? पीयूष। तुम्हारा भाई? तुम्हारा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ठीक है, कल व्लॉग चेक करना। सो गाइस यहाँ पर आए थे हम, एंड फोन तो ये रहा, और आईफोन ये है 14 प्रो मैक्स, और गोल्ड में है ये, गोल्ड ही पसंद आया मेरे को, इसमें पर्पल भी आ रहा था, केस वगैरह ये फ्री मिल रहा है इसके साथ में। और भाई दिक्कत ये हुई है कि इसमें ना देखो 95,000 पेमेंट तो आ गई, मतलब और वो पता नहीं आधी कैसे रुक गई, कुछ लिमिट का चक्कर पड़ गया उसमें। और भाई ये है भास्कर जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया, भाई इस बंदे को मैं पहले जब हमने MG गाड़ी ली थी हेक्टर प्लस, तब भी क्या हुआ था बेसमेंट में लाते हुए बंदे ने मार दी थी टक्कर, वहाँ पंगे पल गए। फिर मैं इसके साथ ले गया कावासाकी Z900, भाई मुंह मत छुपा यार ऐसे मत। तो मैंने इसके साथ लेने गया कावासाकी Z900, तो उसमें भी भाई तुम मानोगे नहीं, बैंक से पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, पेमेंट इनके उसमें शो नहीं हुई, तो भाई वहाँ पंगे पल गए, वहाँ भी ऐसे 2-3 घंटे बैठे। और क्या दिखाओ, अपनी शक्ल ही दिखा रहा है। और भाई अब हम ये लेने आए हैं, और यही भास्कर के साथ यही हो रहा है भाई फिर से, कि 2-3 घंटे अब फिर बैठना पड़ रहा है क्योंकि पेमेंट अटक गई है। तो क्या भास्कर तुम ही मनहूस हो? मनहूस कह दिया गाइस, ये मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ये। पर्सनल बातें बता दूं भास्कर, 9th क्लास में ये और मैं एक ही लड़की के पीछे थे गाइस, तो हमारी लड़ाई हो गई थी गाइस। सही मोमेंट डाल दिया, मैं इसको जानता नहीं था तब, और फिर मुझे पता लगा उस बंदी का बंदा ये है। तो इसकी और मेरी लड़ाई हो गई थी गाइस, लड़ाई। उसके बाद फिर हम दोस्त बने गाइस, और बस तब से हम चीज़ें खरीद रहे हैं ऐसे इंतज़ार कर करके। सो गाइस आ चुका है हमारा पहली अपने पैसों से लिया हुआ आईफोन, और भाई सही बता रहा हूँ, मैंने 11 लिया, 13 लिया, और भाई 8 भी लिया था बहुत पहले, मतलब मेरा चौथा आईफोन है ये, बट सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को इसको लेने में। और भाई नमस्ते।